हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं स्टेट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को। मैंने एक वेबसाइट बनाई है, देखिए ये, इस वेबसाइट का नाम है engineersforcivil.com। ये www.engineersforcivil.com। इस वेबसाइट में मैं कुछ डाला है अभी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, लेकिन आगे जाके इसमें बहुत कुछ मैं डालने वाला हूँ। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स के अलावा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इसमें जाके पोस्ट कीजिए, वो ज़रूर मिलेगी। जैसे कि आपको नोट्स चाहिए, आपको बीटेक प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए, एम टेक प्रोजेक्ट्स में हेल्प चाहिए, पीएचडी प्रोजेक्ट्स में हेल्प चाहिए, नोट्स चाहिए, या ST1 ST2 एग्ज़ाम आ रहे हैं, या किसी एग्ज़ाम में आपकी बैक लग गई है तो उसके रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, या फिर आपको को किसी तरह सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो भी आप इसमें जा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं अपना कमेंट, किसी भी कमेंट करनी चाहिए किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए, ठीक है। और जो स्पेशली जो AKTU के स्टूडेंट्स हैं, बीटेक सिविल इंजीनियर, उनको ST1 ST2 PUE या फिर एग्ज़ाम के लिए कोई हेल्प चाहिए तो भी यहाँ मिल जाएगी आपको। बस आपको पहले पोस्ट करना होगा कि उन्होंने वेबसाइट या अभी नहीं बनाई है, तो जब आप पोस्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें चीज़ें डालना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप नोएडा, दिल्ली और गाज़ियाबाद में रहते हैं और आपको सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग चाहिए एट होम तो अवेलेबल है। आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या आप यहाँ पे कमेंट कीजिए या यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टैट प्रो स्टार्ट करते हैं। तो स्टैट प्रो में आज की वीडियो में हम जानेंगे स्लैब लोड यानी कि प्लेट लोड्स, ठीक है। जो हम स्टैट प्रो प्लेट बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं स्लैब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू मॉडल स्पेस प्लेट लोड मीटर किलो न्यूटन नेक्स्ट फिनिश। सबसे पहले मैं एक प्लेट बनाता हूँ, ठीक है, या एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसके ऊपर प्लेट बनाता हूँ, फिर उसके ऊपर हम लोड लगाना स्टार्ट करेंगे। तो 10x10 मीटर का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, इसको ट्रांसलेट कर देते हैं जेड में, 10 मीटर लिंक, ओके। नॉर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं कॉलम बनाने के लिए, डाउनवर्ड वाई में 10 मीटर, ठीक है, ये है। नीचे सपोर्ट लगा देते हैं, फिक्स सपोर्ट, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इस आइकन से प्लेट बनाते हैं। यहाँ क्लिक किया मैंने, यहाँ क्लिक किया और यहाँ फोर नोड्स पे क्लिक कर दिया। देखिए थोड़ा कलर चेंज हो गया है यहाँ पे बीम का, है ना, इसका मतलब यहाँ प्लेट है हमारी। प्लेट कर्सर जो होता है आपको सेलेक्ट करने के लिए वो ये होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। देखिए इस पर क्लिक करूँगा तभी प्लेट सेलेक्ट होगी, वरना केवल बीम सेलेक्ट होंगे, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गई। अब हम इसको थिकनेस दे देते हैं, तो प्रॉपर्टी थिकनेस दे देते हैं 150 mm, असाइन कर देते हैं, यानी कि इस प्रॉपर्टी को अब हम प्लेट के ऊपर डाल देते हैं, असाइन टू व्यू कर देते हैं, क्योंकि ये प्लेट की प्रॉपर्टी है तो केवल प्लेट पे जाएगी, बीम पे नहीं जाएगी असाइन टू व्यू करने पर भी। तो अब हम लोड केस, लोड एंड डेफिनेशन, एक लोड केस बना लेते हैं डेड एग्जाम्पल
क्लोज किया, आप इस डेट पर क्लिक करते हैं, फिर ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है आपके प्लेट लोड, यहाँ पे क्लिक करना है। अब इसके अंदर काफ़ी सारे लोड हैं, एक एक करके सबकी बात करेंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट लोड प्रेशर ऑन फुल प्लेट, यानी कि फुल प्लेट के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है। यहाँ प्रेशर एज्यूम कर लीजिए डाउनवर्ड के लिए -5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बात कर रहा है कि लोकल जेट और ग्लोबल, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। इस लोड को हटाते हैं पहले, इस क्लोज कर देते हैं पहले, लोकल और ग्लोबल की बात करते हैं, ठीक है। जो आपके ग्लोबल कोऑर्डिनेट वो ये है, अगर मैं वाई डायरेक्शन में, जी वाई में लोड लगाता हूँ तो वो डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। अगर माइनस लगा देता हूँ तो क्या होगी, ये माइनस। अगर लोड की वैल्यू लेते हैं और जी वाई, तो लोड की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। और अगर हम जी वाई सेलेक्ट करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो लोड की डायरेक्शन ये होगी। तो ये तो हो गया ग्लोबल इसके अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें आता है लोकल भी। लोकल क्या होता है, देखिए ये जो आपकी प्लेट है, ये जो आपके प्लेट है, इसके अपने खुद के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो होंगे लोकल। तो देखते हैं क्या है लोकल। लोकल के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ प्लस पी, सिर्फ प्लेट नंबर आता है, ठीक है, सिर्फ प्लस टी से आता है कोऑर्डिनेट। ये आ गया, देखिए इस प्लेट का जो एक्स है, ये एक्स है, इसके अकॉर्डिंग सेम ही है। जरूरी नहीं है सेम हो, लेकिन हर बार वो डिपेंड करता है ना बनाए कैसे। मैंने पहले यहाँ क्लिक किया था, फिर यहाँ क्लिक किया था, मैंने ऐसे गया था मैं, यानी कि मैं गया था क्लॉकवाइज बनाने के लिए। जब मैंने क्लॉकवाइज टेबल बनाई है, प्लेट बनाई है, तो हमारा एक्स एक्सिस ये होगा और वाई ये हुआ और जेड हमारा ये है, ठीक है। अब वो क्या है, हम उसमें आता है कि लोकल, तो ये लोकल कोऑर्डिनेट है। अगर लोकल मुझे डाउनवर्ड लोड लगाना है, ऐसे मुझे ऐसे लोड लगाना है, तो ऐसे देखिए इसमें क्या होगा, लोकल Z सेलेक्ट करना होगा डाउनलोड लगाने के लिए, और डायरेक्शन पॉजिटिव। इसमें क्या था, हमें डाउनलोड लोड लगाने के लिए डायरेक्शन Y और नेगेटिव, है ना। इसके अकॉर्डिंग जी वाई नेगेटिव, ठीक है, ऐसे लोड लगाने के लिए, और इसके अकॉर्डिंग ये, तो समझ गए। हर किसी का अपना ग्लोबल कोऑर्डिनेट होता है, तो ये प्लेट का है, तो इस तरह से इसने बता दिया। तो अगर हम ग्लोबल में जी वाई लगाएं या लोकल में एल जेड लगाएं, तो सेम बात है। तो लगाते हैं एड प्लेट लोड प्रेशर -5 लगाते हैं लोकल में, एड इसको अप्लाई, ये देखिए लग गया लोड। अगर हम लोकल में लगाते हैं, ग्लोबल में लगाते हैं, तो यहाँ हमें वाई माइनस लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे जी वाई होगा सब इस तरह से, ठीक है। तो लोकल और ग्लोबल आप समझ गए। तो ये था प्रेशर ऑन फुल प्लेट। आपको दिख रहा होगा कि कॉर्नर कॉर्नर पे लगा हुआ है, कॉर्नर कॉर्नर पे नहीं, यहाँ पर भी लगा हुआ है, वो शो नहीं कर रहा है, बीच में भी वो लोड है, यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, तो शो इस तरह से करता है। तो ये हो गया, नेक्स्ट लोड देखते हैं, पॉइंट लोड। सेम वही बात, यहाँ पे पॉइंट लोड मान लीजिए हम, आप लोकल ग्लोबल आप समझ चुके हैं, तो मैं सारे लोकल में लगा देता हूँ, ठीक है, 10 किलोमीटर लगा रहा हूँ लोकल जेड, पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड। अगर यहाँ पे 0 0 रहता है, कि कोऑर्डिनेट जो होते हैं प्लेट के लोकल, वो 0 0 यहाँ पे होते हैं उसके सेंटर, तो अगर ये 0 0 रखते हैं, तो प्लेट लोड पे लगते हैं सेंटर में लगेगा लोड, ये देखिए। और अगर हमें इसे कहीं और लगाना है, तो एक्स की वैल्यू डाल दो, जहाँ एक्स में मूव कराना है, वाई में मूव कराना है, वाई में वैल्यू डाल दो। डबल क्लिक करके अगर मैं एक्स में यहाँ डालता हूँ 1 मीटर और चेंज करता हूँ, तो देखिए 1 मीटर मूव हो गया, और वाई में भी डालता हूँ 1, देखिए चेंज हो गया, और डालता हूँ -1, तो देखिए। तो इस तरह से आप कहीं भी पॉइंट लोड को मूव करा सकते हैं। डेट लोड पे दोबारा क्लिक करके दूसरा लेट लोड पे जाते हैं। पार्शियल लोड, जो आपने फर्स्ट लोड लगाया था ना, फुल प्लेट पे लग रहा था,
अगर उसी को पार्शियल पे लगाना है, प्लेट के किसी हिस्से पे लगाना है, तो यहाँ पे, तो देखिए आप डायग्राम में भी देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमने डाला लोकल जेड के लिए 5, ठीक है। अब देखिए जो ये जो आपकी प्लेट है वो ये है, ठीक है, और जो प्लेट के आपके कोऑर्डिनेट हैं लोकल वो ये है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। अब ये जो कह रहा है एक्स वन वाई वन वो है ये, यहाँ पे एक्स वन वाई वन, ठीक है। अगर आप, अब ये एक्स टू वाई टू क्या है, ये वह अगर हम कोई पार्शियल लोड लगाते हैं ऐसे, तो जो ओरिजिन पे जॉइंट होगा उसका ये एक्सिस होंगे, और जो उसके डायगोनल होगा उसका होगा ये एक्स टू और वाई टू, ठीक है। तो देखिए एक्स टू वाई टू 0 0 ओरिजिन पे रहने देते हैं, ये एक एक मीटर पे लगा देते हैं, देखिए ये लग गया है, ये वाला लोड टॉप व्यू से देखते हैं इसको, देखिए। तो ये जो ये कॉर्नर के जो जॉइंट के जो आपके कोऑर्डिनेट तो एक्स वन वाई वन और ये जो थे एक्स टू वाई टू, यानी कि एक मीटर यहाँ से एक मीटर यहाँ से, तो ऐसी तरह माइनस में डालेंगे तो इधर चले जाएगा, तो इस तरह से आप कितना भी लोड लगा सकते हैं। इन लोड्स को डिलीट कर देते हैं क्योंकि जो नया लोड है उसको देखने में दिक्कत होती है, डैट पे क्लिक किया और ऐड। अब आते हैं ट्रैपोजॉइडल में, तो ट्रैपोजॉइडल लोड पता है आपको ऐसे होता है कुछ, है ना, एक बीम पे अगर लग रहा होता है, ये आपका स्लैब पे लगेगा तो ये एरिया लगेगा, तो जब हम फ्रंट भी देखेंगे तभी पता चलेगा इसका। तो लोकल जेड में 2 मतलब कि मिनिमम, 5 मतलब कि मैक्सिमम वेरिएशन अलोंग एक्स एक्सिस है। चलो जैसे ये होता है ना वेरी, ये स्मॉल से बढ़ रहा है, कम लोड से ज़्यादा की ओर बढ़ रहा है, तो ये जो वेरिएशन होगा एक किस डायरेक्शन में हो रहा है वो पूछ रहा है, मान लो एक्स में हो रहा है, इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एक्स सेलेक्ट था तो वेरिएशन एक्स में हो रहा है, देखिए इधर भी एक्स में हो रहा है, पर यहाँ पे यूनिफॉर्म है। तो ये था ट्रैपेज़ॉइडल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हाइड्रोस्टेटिक। ये भी आपका ट्रैपेज़ॉइडल की तरह है, बस इसको लगाने का तरीका अलग है, और ये वर्टिकल पे लगता है, हॉरिजॉन्टल पे लगा सकते हैं, वर्टिकल पे तो देखिए कैसे लगाते हैं। पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर उस प्लेट को सिलेक्ट करते हैं, प्लेट कर्सर से उसका नंबर देखिए यहाँ पे आ चुका है, डन करेंगे। अब सेम वहीं ये मिनिमम मैक्सिमम 2 5। अब ये जो इंटरपोलेट यानी वेरिएशन जो होता है ग्लोबल डायरेक्शन में करता था, एक्स ले लेते हैं, इसको लगाने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली ज़्यादा, देखिए सेम वैसे ही लगा, ठीक है। और अब है लास्ट लॉर्ड, एलिमेंट जॉइंट लोड, यानी कि हमारे पास जो जॉइंट है वहाँ पे प्रेशर लगा सकते हैं, जैसे कि ये आपकी प्लेट है, ठीक है, और ये जॉइंट नंबर 1 है, इस पर आप कुछ लगाना चाहते हैं प्रेशर, जॉइंट नंबर 2 पे कुछ लगाना चाहते हैं, इस पर कुछ और लगाना चाहते हैं, और इस पर कुछ और लगाना चाहते हैं, अलग अलग, ठीक है। तो सबसे पहले जॉइंट नंबर देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो शिफ्ट प्लस एन से जॉइंट नंबर 1 2 3 4 पे लगाना है, ठीक है। एड प्लेट लोड ट्रैप, जॉइंट नंबर 1 2 3 4, प्रेशर लगा लेते हैं किसी पे 2 है और 2 पे 3 3 है, मान लो लोकल जेड में। इसका ये थोड़ा अलग सा आता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने जो लगाया 2 2 लगाया, 2 2 किलो न्यूटन, और यहाँ पे हमारा 3 3 किलो न्यूटन है, ठीक है। इस डायग्राम पे मत जाइए, ठीक है। तो ये थे आपके प्लेट लोड्स। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, एक क्लिक करते शेयर हो जाता है, और जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है उस पर जाइए, कुछ पोस्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।